नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, इस तरह हमने इसे कट कर लिया है, जितनी इसकी लंबाई रखनी है उस हिसाब से। तो देखिए, इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच ली है, तैयार ये 4.5 इंच होगी। अब पहले सिंपल स्लीव कट कर लेना है, 2.5 इंच। डेढ़ इंच पैर इसकी गोलाई दे देंगे। अब देखिए, कट लगा देना है, जहाँ तक गोलाई दी है कट लगा देंगे। पलटने के बाद अच्छे से बना लेंगे। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है। बिल्कुल बराबर से इस बार इस तरह से निशान बना देंगे। अब देखिए, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देंगे और नीचे की साइड से भी 1/2 इंच छोड़ेंगे। तो 3 इंच 2 पॉइंट पर यहाँ पर कट रखेंगे। तो इस तरह देखिए, बुकरम लेंगे, 3 इंच 2 पॉइंट पर निशान बनाएंगे। देखिए, इसे कपड़े पर रख के सिलाई लगा देंगे। आधा इंच छोड़कर जो ज्यादा है उसे कट कर देंगे। दोनों साइड से देखिए, इस निशान से जो डिजाइन का निशान बनाया है बराबर मिलाकर रखेंगे और दोनों साइड से कितनी दूरी ली है आधा आधा इंच इस तरह से मिलाकर रखेंगे। तो इस तरह देखिए, पिन लगा दी है। अब इसे कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, पूरे पर कट लगा देना है। अब इसको इस तरह अंदर की तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद अच्छे से बनाकर इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, सिलाई लगा दी है। अब इस पर लेस लगा लेना है।
तो इस तरह देखिए लेस को लगा दिया है, अब इस पर लटकन लगाएंगे। तो देखिए मोतियों की लटकन बनाकर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बड़ी मोती ली है, उसके बाद छोटे साइज की ली है। जितनी बड़ी बनानी है अपनी मोतियाँ इसमें डाल लेनी है। देखिए एक तरह से लगा देना है। देखिए एक और लगाएंगे, इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए दूसरी भी हमने लगा दी है। देखिए यहाँ पर भी दो लगा लेनी है। तो अगर आप ये लटकन नहीं लगाना चाहते तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पर भी दो लटकन लगा दी है। तो अब ये डिजाइन बनके तैयार है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।